भदोही जिले के गोपीगंज थाना क्षेत्र में एक बार फिर हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। रविवार को राष्ट्रीय राजमार्ग के किशुन देवपुर गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रेलर और डीसीएम में जोरदार भिड़ंत हुई है। इस हादसे में डीसीएम चालक की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटाकर आवागमन बहाल करवा दिया है। घटना के बारे में बताया जाता है कि रविवार की सुबह करीब 11 बजे के आसपास डीसीएम पेंट लादकर वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रहा था। डीसीएम जैसे ही किशुन देव गांव के पास पहुंचा तभी प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रहे ट्रेलर ने डीसीएम में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में डीसीएम चालक की मौत हो गई है। हादसा इतना दर्दनाक हुआ कि डीसीएम के चालक का आधा शव डीसीएम के अंदर तो वहीं आधा शव बाहर पड़ा हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटवाकर आवागमन बहाल करवा दिया है। मौके पर पहुंची गोपीगंज पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।